जनवादी पार्टी का महारैली का आयोजन है। हमारे साथ मौजूद हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जानते हैं कि क्या इस रैली में क्या कुछ करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, क्या रैली का उद्देश्य और क्या है? जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वाधान में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जन स्वाभिमान रैली आयोजित है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि माननीय अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। और इस रैली का जो प्रमुख उद्देश्य है कि बीजेपी जो पिछड़ा अति दलित महादलित करके बैकवर्डों की एकता को जो खंडित करने का प्रयास किया और बैकवर्डों के अंदर फूट पैदा करके जो सत्ता हासिल करने का प्रयास किया है और सत्ता पर बैठ करके इन्हीं बैकवर्डों और दलितों का हक मारने का जो काम किया है, इस व्यवस्था को सारे पिछड़ा और दलित वर्ग समझ गया है और इस रैली के माध्यम से पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच की जो खाई है वो खत्म हो और समूचा पिछड़ा वर्ग एकत्रित हो, यही इस रैली का मुख्य उद्देश्य है। क्या लगता है कि ये इस रैली में सिर्फ समाजवादी ना सिर्फ जनवादी पार्टी ही सम्मिलित होंगी या समाजवादी पार्टी भी लोग होंगे? इस रैली में सिर्फ और सिर्फ जनवादी पार्टी के लोग शामिल होंगे। बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो उनके 250 जो प्रमुख नेता हैं वो लोग आ सकते हैं और समाजवादी पार्टी की भीड़ यहाँ नहीं आएगी। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है, ये माना जा रहा है कि कल जनवादी पार्टी का शक्ति प्रशिक्षण है, जो दिखाएंगे शक्ति कि मतलब समाजवादी पार्टी को कि चौहानों की वोट बैंक इनके पास कितना है। वेद मिश्रा, ईटीवी न्यूज, मऊ।